सो वेलकम बैक टू आर चैनल म्यूजिक एंड बीट और मैं हूँ डीजे केविन। और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बीट को प्रॉपरली मैच करते हैं और ट्रैक को मिक्स कैसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम बीट्स को, जो कि चार बीट्स पे एक बार होता है, हर बार में ट्रांजेक्शन होते रहते, चेंजेस आते रहते ट्रैक में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो फोर बीट्स के बाद जो फिफ्थ बीट आएगा, जो कि फर्स्ट बीट होगा, आपको ये ट्रैक के फर्स्ट बीट को उस बीट पे मैच करना होता है। मतलब उसी बीट पे आपको उसे प्ले करना है और उसको फिर उसके साथ मैच करना है। अगर आप ये करने सीख गए, जैसे कि फोर्थ बीट के बाद जो फिफ्थ बीट को आप इस ट्रैक के इसमें से जिसके फर्स्ट बीट को आप प्ले करोगे, तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा और उसका ट्रांजेक्शन एकदम प्रॉपर हो जाएगा। उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आपको ट्रैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रैक कब चेंज हो रहा है, कहाँ पर उसके आगे क्या ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, कहाँ पर फॉल आने वाला है। तो ये सब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ट्रैक प्ले करें उसको आपको पहला सुनना होगा प्रॉपरली, कहाँ पर ट्रांजेक्शन आने वाला है, क्या ट्रैक है, कैसे कट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से हम बीट को मैच करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
तो आपको समझ गया है, आपको तो इसमें तो आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह से हमने बीट को मैच किया। अभी हम वर्चुअल डीजे की तरफ जाके देखते हैं कि किस तरह से बीट को मैच करते हैं। तो ये हमारा पहला ट्रैक है जो प्ले हो रहा है। आप ग्राफ की तरफ देख सकते हो, आपको ग्राफ से पता चलेगा। जैसे कि हमने कहा था आपके जो क्यू करेंगे उसको प्रॉपर बीट पे क्यू करेंगे। देखिए बीट पे हम इसको क्यू कर देते हैं, अरे प्ले करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 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
फिर से करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 तो आपको पता चला वहां पर क्या हुआ, जो सेकंड बार का जो फर्स्ट बीट पे हमने उसको प्ले किया, जो सेकंड ट्रैक को हमने प्ले किया उसके फर्स्ट बीट पे जब प्ले किया, तो जब आपने देखा जो फर्स्ट ट्रैक था उसका जैसे ही फॉल आया, तो ये जो सेकंड ट्रैक है उसका सॉन्ग ही चेंज हो गया।
तो इतना प्रॉपरली और इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है कि आपको ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको सिर्फ थोड़ा सा EQ के साथ प्ले करना होता है, EQ कट कट करके फिर धीरे 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 आपको फेडर ये चलाना होता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी क्वायरीज हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमको पूछ सकते हो इन डिटेल में। अगर आपको कुछ और जानना है, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मैसेज हमें कमेंट ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, तो हम देखेंगे कि कहाँ पर कुछ छूट गया है तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बार और बीट्स के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। म्यूज़िक आप जो प्ले कर रहे हो, जो सेकंड ट्रैक प्ले कर रहे हो या अभी जो भी आपका जो सेट है उसके बारे में आपको स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको बार बार सुनना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर कट करना है, कहाँ पर फॉल लाना है। तो ये सब एक डीजे का टेक्निक होते हैं, ये तो हम आपको सिखा नहीं सकते। लाइव क्राउड में प्ले करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्राउड को हैंडल करते हैं, कहाँ पर आपको फॉल लाना है। तो ये सिर्फ एक बेसिक था आपको बताया कि बीट्स पे कैसे मारते हैं, बीट्स को क्यू कैसे करते हैं, क्यूइंग क्या होता है, उसके बारे में हमने वीडियो बताया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, घर पे जाना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, फिर किसी डीजे के पास जाओ, उससे उनके साथ में रहो, सीखो। और अगर आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी हम कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल का एक मेंबर बन जाओ, सब्सक्राइब करो। और चलते हैं अगले लेसन की तरफ, जो कि शायद हमारा लास्ट जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको पिच बेंड के बारे में बताएंगे। पिच बेंडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा मैंने एक जगह पे पिच बेंड किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो जब आप सेकेंड जो हमारा लास्ट वीडियो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने यहाँ इस वीडियो में किस तरह से पिच बेंड किया था। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।